पक चुका हूँ सबसे, मैं जीऊंगा अब मैं कब से। नहीं यार ये तो गलत हो रहा है यार, दूसरा ट्राई करता है। ओके क्या कहेंगे चार लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। यार ये तो बीट ही नहीं रहा यार, जिंदगी क्या हो गई, क्या कहेंगे चार लोग। कमजोर ना था वो अलग, म्यूजिक ही था उसका अलग। नहीं मतलब यस यस यस, म्यूजिक म्यूजिक ही था उसका मजहब। ओए इतना डर क्यों गए तू, हमें तो है। अरे नहीं यार, मेरे घर वाले मेरा रैपिंग करियर सीरियस में लेते ही नहीं, और उनको ये चीज़ें पसंद भी नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि यार ये अपने मिडल का से काम ही नहीं है। यार उदू प्लीज़, हम लोग बचपन से एक साथ हैं और हमें पता है यार तेरी सिचुएशन। फिलहाल ये सब छोड़ दे, वी हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। सुन, तूने जो हमें रैप सुनाया था ना कुछ दिन पहले, वो हमारे प्रोड्यूसर फ्रेंड को बहुत पसंद आया पता है। अच्छा। और वो रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार हो गया। प्लीज यार ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर। नहीं यार डर लगता है जब मेरे रिश्तेदार मेरे मॉम डैड को कुछ उल्टा सीधा बोल देते ना, तब मेरे मॉम डैड मुझे लेट इट बी गाइस। हाँ तू बस अब यही सोच ले कि क्या बुरा हो सकता है। भाई तू क्यों आया तू मेरी जिंदगी में? आना पड़ा भाई, वो अंकल आंटी बोल रहे थे तू जॉब के बारे में कुछ सीरियस नहीं रह रहा, सोच जरा सीरियसली हो अपनी जिंदगी के बारे में। करेंगे रे जॉब करेंगे अपन। अरे तो कर ना, ढाई साल से ही सुनता आ रहा तेरा नुस्ता बाता करता साला। तू निकल पहली फुर्सत में निकल। देख मैं तो जा रहा, लेकिन तू कुछ तो सोच तेरी जिंदगी के बारे में, सीरियस हो। मैं तो जा रहा सिटी से बाहर जा रहा जॉब सर्च के लिए, लेकिन वापस आऊंगा। फोन वॉलेट जॉब। रोज की तरह जाना, रोज की तरह आना। रोज की तरह जाना, रोज की तरह आना। रोज की तरह जाना, रोज की तरह आना। यार मैं पक चुका हूँ इस जिंदगी से। हेलो रिया स्पीकिंग। जी मैं निखिल बात कर रहा हूँ, उद्देश का फ्रेंड। जी आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चले आइए, उद्देश का एक्सीडेंट हो चुका है, प्लीज जल्दी से आइए। मैं उद्देश का दोस्त निखिल हूँ, मैं उसको जॉब हंटिंग पार्टनर हूँ, हम दोनों साथ में जॉब हंट करने जाते हैं। यूजुअली हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन मैंने उसे उस दिन बोला था कि यार तो बंदा बहुत डिप्रेस है, गुस्से बन चुका है, वो स्कूटी मत ले। लेकिन आज उसने स्कूटी लेके आया और उसने मुझे मेरे स्टॉप पर ड्रॉप किया। मेरे स्टॉप पर ड्रॉप करते ही वो थोड़ा आगे चला गया और उसे एक ट्रक ने हिट कर दिया, बहुत बुरी तरह से लगा उसके पेट पे और सिर पे। डॉक्टर अब भी उसे ओटी से बाहर निकाल के आया है और डॉक्टर ने कहा है कि हम सब तुझे ऐसे नहीं देख सकते, वो तो उठना
सब मेरी गलती थी। उस दिन मैंने ही तुझे डाउट में डाल दिया। पर तू हार मत मान, जैसे मैंने अपने ड्रीम से गिव अप कर लिया वैसे तू मत कर। तू अपने ड्रीम पर फोकस कर और फिर से रैप लिख। उठेगा ना तू उद्दू? उद्दू उठ जाना, उद्दू प्लीज उठ जाना, उद्दू उठ ना तू। अबे क्या हुआ, 5 मिनट से तो इतना साइलेंट क्यों हो गया? हो गए ना सब कुछ बुरा सोच के, सब ओवर थिंकिंग करके। फिर सोच रहे ना कि बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, वही घिसा पिटा पुराना चार लोग क्या कहेंगे। अबे यार तो इतना डरता क्यों है? तेरे दोस्त तेरे साथ है ना, प्लीज यार एक बार ट्राई कर ले। नहीं यार मॉम डैड नहीं मानेंगे। तेरी फैमिली भी तेरे साथ है, ये रिलेटिव्स और बाहर के लोग कुछ टाइम के लिए बुरा बोल सकते, पर तू हार मत मान। आज तो कुछ नहीं है ना इसलिए ये सब तुझे ऐसे कहेंगे, पर जब तू कुछ बनेगा ना तो यही चार लोग तेरे आगे पीछे रहेंगे। अच्छा ठीक है, करेंगे हम लोग रिकॉर्ड। सिर तो कैसे लगा ये रैप? होप सो इट्स लाइक अच्छा है ना? होप सो, इसको एक ट्राई तो मिल सकता है ना? यस ब्रो, मुझे इस रैप पर कुछ मालूम नहीं, बट वी विल रिकॉर्ड दिस। और तेरा टैलेंट सुपर्ब, तू आग लगा देने वाला है और मेरे साथ मुंबई आ रहा है। जब अपने लोग साथ में हो तो बाहर वाले क्या सोचेंगे इसके बारे में मत सोचो। एड से बुरा ये रोग, क्या कहेंगे चार लोग। नहीं यार इसके बारे में तुम सोचना ही बंद कर दो। लोग बोलते रहेंगे तुम सुनते रहोगे, नहीं अब नहीं होगा है। तू जीत गया, वक्त मुश्किल था मगर जैसे भी हो बीत गया।